नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर आशीष सैनी एंड आज हम चर्चा करेंगे समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूरोलॉजी, पर आजकल जिसके बारे में भाई सारे के सारा जो विश्व है वो इस महामारी से ग्रसित है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कोरोना वायरस। सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में जितनी भी जानकारी है, जो साइंटिफिक जानकारी है, वो हम देंगे इस चैनल के जरिए, सो दैट आपको पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है और हम कैसे इसको अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस कहाँ से आया है और किस तरह से ये इसका इन्फेक्शन जो है वो फैला है पूरी दुनिया में। तो जो पहली बात है ये कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, 2019 या 2020 में ये वायरस नहीं आया, ये वायरस बहुत पहले से चला आ रहा है। 2003 में सबसे पहले जो है रिपोर्ट्स आई थी, अगर आप देखें तो ये जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं ऑन द स्क्रीन, तो ये जो एक रिपोर्ट आई है 2003 में कि ये इस तरह के वायरसेस अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में आ रहे हैं, स्पेशली इन सदर्न चाइना। तो जो सदर्न चाइना में वहाँ पर जो वहाँ की वेट मार्केट है, एनिमल मार्केट है, वहाँ पे जो एग्जॉटिक एनिमल्स को मिल सो वहाँ पर पाया गया। 2007 में एक रिपोर्ट आई, 2007 में जो पहली बार जो है SARS के नाम से जो एक डिजीज आई, जो पैंडमिक आया और WHO में नोटिफाइड हुआ, तो उसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो 2003 में हुई थी। इट स्टार्टेड फ्रॉम रकून्स, फ्रॉम सिविट मैमल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द बैट्स। तो इनको जो एग्जॉटिक एनिमल्स को जो खाने की प्रक्रिया थी, इसकी वजह से देर वॉज अ ट्रांसमिशन एंड इट इज अ जूनॉटिक इन्फेक्शन। सो बेसिकली इट इज अ जूनॉटिक इन्फेक्शन विच इज वेयर द सोर्स ऑफ द वायरस इज द एनिमल और जो ट्रांसमिशन अब हो रहा है वो ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। तो इसकी जो चर्चा सबसे पहले हुई 2007 में, एक अभी अगर आप देखें स्क्रीन पे तो ये एक पबमेड इंडेक्स पब्लिकेशन है, ये कोई ऐसे किसी उसमें नहीं लिखा गया, इट केम इनटू द अमेरिकन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वेयर द साइंटिस्ट जो एक हांगकांग एक एरिया है चाइना में, वहां के हॉस्पिटल में सबसे पहले जो है ये डिजीज मिस्टर एस चैंग ने रिपोर्ट की कि दे फाउंड दैट देयर वर 8,000 पेशेंट्स हु वर इन्फेक्टेड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और जो इन्फेक्शन था वो ग्वांजू एरिया से स्टार्ट हुआ एंड देन इट ट्रैवल्ड अक्रॉस मेनी कंट्रीज, और उसमें जो वियतनाम था, वियतनाम वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्चुअली टेल WHO दैट इट्स अ पैंडेमिक एंड देन WHO वो सेड दैट इट इज अ पैंडेमिक। इन दिस आर्टिकल ओनली दे हैव सेड कि अगर ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि हम बहुत ज्यादा एनिमल प्रोटीन्स खा रहे हैं और डिफरेंट टाइप के एनिमल प्रोटीन्स खा रहे हैं, अगर ये प्रक्रिया नहीं कम हुई तो ये प्रॉब्लम जो है आगे चल के बढ़ेगी। ये इसलिए बढ़ेगी क्योंकि एक तो हमें ये नहीं पता है कि हम किस तरह के वायरस से जूझ रहे हैं, ये एक नया वायरस है, इसका ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है उसमें एसिम्प्टोमेटिक करियर से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, और वही बातें अब 2019 और 2020 में ये बातें जो है अब वो सामने आई हैं, वेयर वी आर now seeing a re-emergence of this zoonotic infection. So it is not so coronavirus is not discovered in 2019 or 20, it is something which was discovered way back in 2003, and the scientific community has many times by different articles, agar aap is article ko padhe, ye freely downloaded hai, you can go to Google and download this article and you can read about it. To ye bahut dino se ye charcha mein tha ki hum apne tarike ko badle, khan peene ke tarike ko badle, we have to be more vegetarian diet. लेकिन अब प्रॉब्लम सामने आ गई है, सबके सामने संकट की घड़ी है। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई ये इन्फेक्शन जो होता है इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, स्प्रेड होता है प्राइमरीली जो सबसे पहले ये है कि जो स्प्रेड होता है इसका, ये पर्सन टू पर्सन है, तो एक इन्फेक्टेड इंसान दूसरे को ये कर सकता है, और जो स्प्रेड है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो ड्रॉपलेट स्प्रेड है। एयरबॉर्न स्प्रेड अभी तक WHO ने रिपोर्ट नहीं किया है, बट मैं फिर इसी आर्टिकल पे जाऊंगा 2007 में कि एयरबॉर्न स्प्रेड वॉज सीन इन वन ऑफ द कम्युनिटीज विच लिव इन हांगकांग एरिया, और उस कम्युनिटी में क्या था कि देर वॉज अ क्लोज सिस्टम, सो जो एग्जॉस्ट थे वो जितने भी एग्जॉस्ट फैन थे दे वर इन अ क्लोज सिस्टम, बिकॉज इसका फीकल एक्सक्रीशन भी होता है इस वायरस का, ड्रॉपलेट सलाइवा में भी आता है, सो बेसिकली जो उनके जो एग्जॉस्ट पाइप्स थे थ्रू दैट द इन्फेक्शन स्प्रेड रैपिडली टू द कम्युनिटी, सो दैट वॉज द ओनली थिंग वेर देन एरोजोल इन्फेक्शन वॉज देयर। एरोजोल इन्फेक्शन और कहाँ हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा वायरल लोड वाले ये पेशेंट्स अगर एक ही जगह पे जैसे ICU में है, और वहां पे अगर हम एक ऐसा एनवायरमेंट होता है जहां पे क्लोज एयर कंडीशनिंग है, जहां पे
नेगेटिव प्रेशर नहीं बना हुआ है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है। अदरवाइज पर से इन कम्युनिटी एरोसोल स्प्रेड नहीं होता है, इट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसीलिए बोलते हैं कि 3 मीटर की आप दूरी बनाए रखें, सो दैट कि 3 मीटर तक अगर किसी को इन्फेक्शन है और आप उससे अगर वो दूरी बनाए रखेंगे तो आपकी वो संभावना बहुत कम है उस इन्फेक्शन को। ACE2 इनहिबिटर होते हैं हमारे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के जो रिसेप्टर्स होते हैं न्यूमोसाइट्स में होते हैं, यही रिसेप्टर्स जो है हमारे टेस्टिस में भी होते हैं, और इस कारण से ये प्रॉब्लम टेस्टिस में आ सकती है जो बंदे इससे रिकवर कर रहे हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बट मेनली अभी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये न्यूमोसाइट्स को इफेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ये लंग को सबसे पहले इफेक्ट करता है। तो 65-80% पेशेंट जो है वो कफ के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो 65-80% मतलब आप समझ लीजिए कि 70-80% बंदे अगर आप है तो प्रेजेंटेशन में अगर फीवर और कफ रहता है, और 80% जो लोग होते हैं उनको कभी ना कभी इस इन्फेक्शन के दौरान उनको मतलब के बुखार आ सकता है। सो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कफ, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पहले हमने बोला कफ है, दूसरा है फीवर, तीसरा है अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है जिसको डिस्निया बोलते हैं, 40% केसेस में डिस्निया की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम जैसे GI में डायरिया हो सकता है और दूसरी तरीके की प्रॉब्लम आती है, लेकिन 3 जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि अगर आपको खांसी आ रही है, सूखी खांसी है, अगर आपको जो है बुखार है, और तीसरा ये है कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है। तो ऐसे पेशेंट्स अगर हैं तो वो सबसे पहले दिखाएं, यही वो पेशेंट्स हैं जो कि किसी को ये दूसरे को ये बीमारी दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ये प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को पहले ही सेग्रीगेट कर लीजिए, और अब तो सारे पूरा वर्ल्ड ही आई थिंक लॉकडाउन में है, सो वी आर क्वारंटाइन, बट इट इज इम्पॉर्टेंट। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, जिनको क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ है, वो उनका रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। तो बेसिकली जो वृद्ध लोग हैं जो कि 65 से ज़्यादा की उम्र के हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। यंग पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम्स है वो इस समय तो ये है कि दे रिकवर है, देर इज नो मॉर्टैलिटी, तो मॉर्टैलिटी इज 1% और लेस देन दैट, बट दीज यंग पेशेंट्स स्पेशली द मेल्स वन मे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी, जिसके बारे में अभी शोध हो रहा है, और क्योंकि जो न्यूमोसाइट्स होते हैं ये टेस्टिस में भी होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आगे आ सकती है। तो ये तो हमने आप चर्चा करी कि भाई ये कोरोना वायरस कैसे आया है, कोरोना वायरस के क्या मतलब के इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से